समाज हो प्यारा, इस समाज की सेवा करना पहला फर्ज हमारा, इस समाज की सेवा करना पहला फर्ज हमारा। इस समाज में रहते हैं हम, ये समाज हो प्यारा, इस समाज की सेवा करना पहला फर्ज हमारा, इस समाज की सेवा करना पहला फर्ज हमारा। आओ रे साथी, आओ रे भाई, आओ रे साथी, आओ रे भाई। रहेगा शहर रहेंगे स्वस्थ सभी, हम जागेंगे जागेगा ये देश तभी। स्वच्छ रहेगा शहर रहेंगे स्वस्थ सभी, हम जागेंगे जागेगा ये देश तभी। मिशन मेरे ने ये है ठाना, प्रदूषण से सबको बचाना। मिशन मेरे ने ये है ठाना, आओ कदम बढ़ाएं, धरती पर हरियाली लाकर खुशहाली फैलाएं, धरती पर हरियाली लाकर खुशहाली फैलाएं। आओ रे साथी, आओ रे भाई, आओ रे साथी, आओ रे भाई। आपके माध्यम से इस जन जागरण रैली से जो संदेश गया कि कैसे अपने आप को बचाना है, अगर पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे। आज मसूरी में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मसूरी के शहर के चंद हिस्सों से सड़कों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ आप ऐसा संदेश ऐसा मैसेज दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत आज हर इंसान के लिए, हर मुल्क के लिए उसकी विशेषता है। इसीलिए यूएनओ ने इस दिवस को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में 5 जून को घोषित किया हुआ है। पहले भी यहाँ मसूरी में ऐसे आयोजन हुए, ITBP का भी साथ में सहयोग रहा और भी यहाँ पर अथॉरिटीज़ के सहयोग रहे, और इस प्रकार से आज हम ये रूप देख रहे हैं। एक अवेयरनेस के लिहाज से, एक जागृति के लिहाज से ऐसे एक दिवस मनाए जाते हैं। तो इसलिए आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर के ऊपर जहाँ पर इस तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है, वहाँ पर जो मिशन जिसकी तरफ योगदान मुख्य रूप में दे रहा है कि हमारा आंतरिक प्रदूषण जो है, हमारा जो इंटरनल प्रदूषण है, हमारे ख्याल, हमारी सोच, हमारी भावनाओं को जो प्रदूषित हो चुकी हैं, जहाँ पर वैर ईर्ष्या नफरत की भावनाओं की गंदगी से हम युक्त हैं, तो इस प्रदूषण को दूर करना है और हमने प्रेम मिलवर्तन स्नेह इन भावनाओं से युक्त होना है, निष्काम सेवा करने का जज्बा रखना है। जैसे कि अभी मलजी ने जिक्र किया कि मिशन किस कदर ये योगदान दे रहा है समाज की सेवा के लिए, नाना प्रकार के ऐसे योगदान दे रहे हैं। हमारे संतें भी, हमारे सेवा दल के नौजवान भी, अभी ट्रैफिक मैनेजमेंट का इन्होंने जिक्र किया और अभी मीडिया के सज्जनों ने कुछ इंटरेक्ट किया, तो उनको भी दास ने जिक्र किया कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2010 में दिल्ली में हुई, तो 600 से ऊपर हमारे वॉलंटियर्स ने जितने मेन स्टेडियम्स थे उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट उन्होंने किया, और कमिश्नर ऑफ पुलिस इत्यादि उन्होंने
पूरा सम्मान दिया, सर्टिफिकेट्स इशू किए और इवन अब्रॉड भी, पीछे ओलंपिक गेम्स हुई लंदन में तो उस वक़्त भी हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत योगदान दिया। और अभी कल ही मैसेज आया इंग्लैंड से कि वहाँ स्कॉटलैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 4 साल के बाद होती हैं हिंदुस्तान के बाद ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रही हैं 23 जुलाई से, तो कल ही वहाँ की जो गेम्स अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मिशन को कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने दर्जनों वॉलंटियर्स एक उस मैनेजमेंट के लिए एक उन्होंने मांगे और मिशन उसकी तरफ भी अपना योगदान दे रहा है। और उससे पहले अभी 2 हफ्ते पहले स्कॉटलैंड में ही वृक्षारोपण का पूरा ही एक मुहिम मिशन के द्वारा वहां चलाई गई और उसका भी लगातार इंग्लैंड में सर्दियों के दिनों में भी जहां इतनी बर्फें होती हैं वहां पर उस ठिठुरती हुई ठंड में भी मिशन के द्वारा कम से कम 4-5 वृक्षारोपण के अभियान वहाँ चलाए गए। तो मिशन केवल एक धरती के एक मुल्क के लिए नहीं, जहाँ जहाँ पर भी योगदान दिया जा सकता है मिशन उसकी तरफ अपने योगदान दे रहा है।